राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है मंगलवार और सुबह का ही टाइम है, तो यहाँ पे जो अलमारी है वो ऊपर चढ़ा दी है, खाली मैंने कर दी थी। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो इसके ऊपर पेंट होना है और यहाँ पे जो पेंट वाले मिस्त्री हैं वो आए हुए हैं। आज बस अलमारी पर करना था और थोड़ा बहुत इनका जो खिड़कियों का काम है वो रहता था, बाकी जो हमारा सारा काम है पेंट का वो कम्प्लीट हो चुका है। और दरवाजे खिड़कियों पर भी ना 3 दिन लग गए, आज तो ये 2 आए हैं वरना एक आता था। मतलब दरवाजों पर तो करना ही नहीं था, ना तो इन दोनों गेट पे करना था, ना शीशे वाले गेट पे करना था, ना बाथरूम वाले गेट पे करना था, सिर्फ खिड़कियां ही थी, खिड़कियों पे ही करना था। तो खिड़कियों पर भी 3 दिन लग गए, बस आज इनका ये लास्ट काम है। आज तो ये जल्दी भी चले गए थे अपना काम निपटा करके। और इस टाइम पे 1 बज चुका है दोपहर का और हम आए हैं ऊपर क्योंकि यहाँ पे अपना साफ सफाई का काम निपटाना है। वीडियो का सारा काम करके मैंने शेड्यूल लगा करके छोड़ दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपना काम करते हैं और फिर शाम तक हम यहीं पे लगे रहे, बाकी कुछ और काम नहीं किया और फिर कोई क्लिप भी नहीं निकाली ज़्यादा, क्योंकि इसी काम में बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग गया। कमरा बेडरूम तो हमारा साफ था क्योंकि तब सुमन आई थी तब कर दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत छींटे तो पड़ी जाती हैं, पेंट करते हैं, पीओपी की थी उन्होंने ऊपर, वो दोबारा से साफ़ करके उसमें सामान रखना शुरू कर दिया है। ज़्यादा बुरा हाल किचन में था जो कि बहुत टाइम लगा हमें, और एक यहाँ पे जहाँ पे मैं अब लगी हुई हूँ, क्योंकि लॉबी का तो पहले भी साफ़ कर दिया था एक बार हमने, लेकिन किचन पूरी तरह से रहती थी और इतना बुरा हाल कर रखा है, मतलब इतना तो मैंने किसी के नहीं देखा होगा जितना टाइम हमें ये उतारने में ही लग गया। पत्तियों से एक एक टाइल ऐसे साफ करनी बहुत मुश्किल काम था। और ये जो टाइल्स लगाने वाला मिस्त्री था ना, वो हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं था क्योंकि वो मान भी नहीं रहा था, वो जब जो काम उसे करना होता था ना करता था, बाकी मिस्त्रियों का ये भी जैसे कहते हैं ना वैसा ही कर देते हैं, वो तो सुनता ही नहीं था। और जब ये हो जाता था ना, यहाँ कोई नुकसान हो गया तब बोल देता था, अरे हम क्या करें, और भाई कौन करेगा, बोलो मिस्त्री आप वो काम कर रहे हो, हमने आपको एक जिम्मेवारी सौंपी है, ये सोच करके ये मिस्त्री है अच्छा ही करेगा। और मेरे पास कमेंट भी आए, कई बार कमेंट आए, मैंने इग्नोर किया उस चीज़ को कि आप तो ये बोल रहे थे कि ये होगा वो होगा, मैं अपने घर में एक चीज़ अच्छे से करवाऊंगी, आपकी जो टाइल्स हैं वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कलेक्शन ये वो। तो देखिए कलेक्शन वाली तो ये बात थी, उस टाइम पे जब हमने टाइल्स खरीदी थी वो लॉकडाउन था कि दुकानें बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, ना नया जो माल है वो आ रहा था, तो उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल ही कम थे, बिल्कुल ऑप्शन नहीं था। जो दुकान में रखी थी उनमें से हमने सबसे बेस्ट ली। और देखिए छोटे शहरों में इतने कलेक्शन मिलते भी नहीं है कि भाई हाँ तरह तरह की टाइल हमें मिल जाएंगी, लेकिन जो दुकान पे थी उनमें से हमने अच्छी ही सिलेक्ट की थी, बढ़िया ही ली। अब लगाने वाले ने क्या किया वो देखो, हमारे काम नहीं था वो, उसका काम था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसमें जो ये भर रखी है ये भी बिल्कुल सफाई से नहीं है, कहीं पे छेद हैं, कहीं से ऊपर तक भर दी है, कहीं पे मोटी लाइनें हैं, कहीं पे पतली लाइनें हैं, तो देखो वो तो उसका काम होता है। पता नहीं ये, मैं इनको बोलती रहती हूँ, पता नहीं कहाँ से पकड़ करके लेके आए हो ये मिस्त्री, तसल्ली का होना चाहिए कि भाई हाँ काम बढ़िया कर देगा, क्योंकि हम कितना ही महंगा सामान ला करके दे दें किसी भी चीज़ का, वो तो मिस्त्री के ऊपर है ना, वो उसको किस तरह से यूज कर रहा है, किस तरह से लगा रहा है, हमें तो नहीं पता। अगर हमें इतने काम करने आते हैं हम मिस्त्री को क्यों लगाते हैं, ठीक है ना, जो जो काम करता है उसकी नॉलेज उसी को होती है, तो वो उसका काम बनता है कि भाई वो अपना काम अच्छे तरीके से करे। हमारा काम है सामान ला करके देना और सारा सामान हमने बढ़िया ही ला करके दिया है, बिल्कुल टॉप का, जो दुकान वाले बोलते हैं कि ये सबसे टॉप है वो चीज़ हमने ला करके दी है हर सामान की। ये नहीं है कि भी सिर्फ टाइल्स, जो भी सामान होता है सारा, कोई भी चीज़ हमने सस्ती नहीं लगवाई, पर कोई बात नहीं देखा जाएगा। और ख़ासकर से बाथरूम की जो टाइल है ना नीचे वाली, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि वो नीली टाइल है और उनमें ब्लैक ब्लैक सा ऐसे लग रहा है जैसे ना गंदगी भरी हुई है अभी से पहले। और अब हमने ले लिया है थोड़ा सा ब्रेक क्योंकि चाय बन करके आ चुकी थी, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद फिर अपने काम पर लग जाएंगे दोबारा। और थोड़ा सा मिस्त्रियों का भी काम रहता था, जो आते हैं प्लम्बर होते हैं उनका, और जो खिड़की दरवाजे वाले मिस्त्री होते हैं उनका, तो दोनों का काम थोड़ा थोड़ा सा रहता था, ज़्यादा काम नहीं था। और यहाँ पे देखिए हमारी जो वाश बेसिन लगेगी उसके नीचे का जो कैबिनेट है वो बन करके आ चुका है, और सच बताऊँ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और जब ये लगा ही, मतलब पूरा काम हुआ यहाँ पे अच्छे तरीके से, इतना सुंदर
लग रहा था बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम से ना होता है भाई, हाँ घर का कोई ना कोई कोना अट्रैक्ट होता है, तो वो मुझे ये लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स भी मेरी पसंद की है, कैबिनेट भी बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही बनाया इन्होंने, और फिर ऊपर से टब वगैरह फिटिंग जो भी हुई मुझे सब बिल्कुल ओके लगा। तो यहाँ पे जो प्लम्बर हैं वो भी आए हुए हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जो शीशा है ना वो लगना है, और यहाँ पे जो टॉवल्स हैंग करने के लिए अब जो भी हम रखेंगे फेस वास और फेस मास्क, तो वो सारी चीज़ें, और बाथरूम में भी लगनी है यही सारी चीज़ें, किचन में भी लगनी है, तो वो ये आज अपना सारा काम निपटा करके चले जाएंगे। और बाकी पंखों का तो हमारा काम सारा हो चुका है कई दिन पहले ही, बस ये जो किचन है उसमें एग्जस्ट फैन रहता था वो आज लग जाएगा, और यहाँ पे देखिए जो बर्तनों का स्टैंड है वो भी लग चुका है, दरवाजे खिड़कियों में जो लगानी रहती हैं ये क्या बोलते हैं इनको, चिटकनी बोल देते हैं हम तो, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो आज लगा देंगे, ये काम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारा। तो घर का जो सारा काम है वो जोरों शोरों से शुरू है, साफ सफाई का भी और जो भी काम रहता था, और ज़्यादा हमें मिस्त्रियों का था कि पता नहीं कितने दिन लगाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो लेकिन आज आ गए थे दोनों, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ चलो काम निमट जाएगा। और कमेंट आए थे कि सीमा पिछली वीडियो में सूटों वाले से पिछली जो वीडियो थी कि उसमें बिल्कुल भी आपने नए घर की क्लिप ऐड नहीं की, थोड़ी बहुत ऐड कर दिया करो, हमें पॉजिटिविटी मिलती है जब हम आपका घर देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें भी। तो ये लीजिए आज मैंने आप लोगों की ये जो इच्छा थी ना वो भी पूरी कर दी है, आज व्लॉग की शुरुआत भी नए घर से हुई थी और एंड भी नए घर से ही होगा, और पूरी जो बीच की क्लिप है वो सारी नए घर में, क्योंकि अब तो आगे से इसी घर के ही आएंगे, यहीं पे रहते हैं हम भी, ज़्यादा टाइम हमारा यहीं पे बीत जाता है। और ये है अगली सुबह, तो उस दिन बस मैंने इतनी क्लिप निकाली थी, हमने साफ़ सफाई की थी, शाम को मिस्त्री आ गए थे, उनके पास यही है सारी चीज़ें देख देख करके लगवानी, तो बहुत सारा टाइम लग गया, और अब सुबह में अपना काम निपटाया है, और मैंने एक सूटों की जो वीडियो है वो बना करके अपलोड कर दी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास और व्लॉग तो था नहीं, और सूट भी दिखाने ही थे टाइम लगा करके, और अब हम लग गए हैं अपने इस काम पे। तो ड्रेसिंग टेबल को मैंने अंदर रख दिया है, और बेड पे गीतू ने बहुत सारी नेल पॉलिश लगा रखी थी, तो नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है वो मंगवाया है, और अब उससे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, और मुझे बहुत सारा टाइम लग गया, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल पे भी कई जगह लगा रखी थी और बेड पे भी कई जगह लगा रखी थी, बस ये मौका मिलते ही अपना काम शुरू कर देता है। और बस अब सारा जो सामान है वो भी सेट करके रख दूंगी, क्योंकि बच्चों का काम है, कुछ ना कुछ ये छेड़खानियाँ करते ही रहते, मुझे ये था कि कहीं सारी चीज़ें ख़राब ना कर दें, और ख़ासकर से जया तो बहुत ज़्यादा करता है, तो बस इसी करके मैं अपना जो सारा सामान है वो लगा दूंगी। और जो किचन है वो तो हमारी अच्छे से साफ हो चुकी है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो टाइल्स क्लीनर है वो मंगवाया था, और यहाँ पे ये स्प्रे बोतल में मैंने डाल लिया था कि अच्छे से मैं सब जगह पे लगा पाऊँ, बाद में मैं इस बोतल को अच्छे से साफ करके डिटर्जेंट से रखूंगी ताकि प्लांट्स पे कोई असर ना हो। और ये ना बहुत तेज था, चेहरे पर लग रहा था जैसे मिर्ची लगती है उसी तरह से, तो चेहरे पर मैंने पल्लू मार लिया है, और आंखों में भी बहुत ज़्यादा इसकी जो जलन है ना वो हो रही थी, तो बस अब सब जगह पे मैं स्प्रे करके और इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ूंगी, और फिर हम यहाँ पे जो अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत रह गया है वो हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए। लेकिन मैंने एक गलती कर दी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ ताकि आप में से कोई ये गलती ना करे। एक रूप से रख लेन के नाम से आती है ये, 150 रुपये की बोतल आती है शायद, तो वो मैंने वैसे सिंक पर तो नहीं लगाया था, ये जैसे टाइल्स पे लगाया था ना, तो वो बह बह करके नीचे इसमें सिंक में आ गया, और सिंक एकदम से बिल्कुल ब्लैक हो गई, और थोड़ा बहुत इस पर भी लग गया, जो नल होते हैं हमारे किचन में बाथरूम में टॉवल्स हैंग करने के थे उन पे लग गया, तो फिर वो मुझे साफ़ करते करते इतना टाइम लगा, हाथ दर्द करने लगे अलग से कम शाम का जो सारा टाइम था ना वो मुझे सिर्फ इन्हीं 3-4 चीज़ों को साफ़ करने में लगा, क्योंकि बार 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 पता नहीं कितनी बार मैंने इनको साफ़ किया, नींबू से भी, विनेगर से भी, जो बेकिंग सोडा आता है उससे भी, सरफ से भी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, और मैं सोच रही थी कि इतने घंटों में तो मैं पता नहीं अपना कितना सारा काम निपटा लेती, ये काम मैंने अपने हाथों ही फैला लिया, और मैं इनको बोल भी रही थी कम से कम बता तो देते, और ये बोल रहे थे कि मैंने बताया था आते ही कि बहुत तेज़ है, हमने कहा तेज़ का मतलब हम ये नहीं समझे कि भी ये किसी और चीज़ पे नहीं लगना चाहिए, हमें ये था भी टैल साफ़ करने में ये तेज़ होगा, हमें ये नहीं पता था कि ये स्टील पर बिल्कुल भी नहीं लगना है, काला हो जाएगा,
तो कोई बात नहीं, वो तो गलती हो गई थी, आगे आप में से कोई ना करे इसलिए मैंने आप लोगों को बता भी दी। और अब आ गई हूँ नीचे, तो मैं बना रही हूँ हम सबके लिए नींबू पानी। मिस्त्री भी आए हुए हैं, तो ये जो बड़ी पतीली है वो मैंने ले ली है, क्योंकि छोटे बर्तन में तो काम नहीं चलेगा। तो बस पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है, कभी काम और फिर साथ में बच्चे, और बच्चे भी ऐसे मतलब पूछो ही ना। असल में तो सारे ही एक से हैं, आराध्या तो फिर भी ठीक है, खुशी भी चलो ठीक ही है, क्योंकि बच्चा देखो थोड़ी बहुत शरारते हैं, जिदे तो लगाता ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जय और मोहित, इनका तो बस पूछो ही ना। मतलब इन दोनों लड़कों के, जय के हाथ पैर नहीं रुकते हैं और मोहित की जुबान नहीं रुकती है, और साथ में फिर वो शरारत भी इतनी करता है, मार पिटाई सब बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। आदमी काम करने में इतना दुखी नहीं होता जितना दुखी ये कर देते हैं। और फिर सारे हम उम्र हो गए ना, छोटे बड़े हों उनमें भी फ़र्क हो जाता है। अब एक खाना खाएगा ना तो सब खाएंगे, एक पानी पिएगा तो फिर सारे ही पिएंगे, चाहे उनको भूख हो प्यास हो कुछ भी ना हो। लेकिन इनको ये होता है कि भाई हाँ साथ में हमें लेकर के बैठना ही है। और राम राम जी। तो इस टाइम पे 3:15 हो चुके हैं शाम के, और कल से ये वीडियो स्टार्ट है, और ना मैंने बात की तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ और इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि शाम में टोहाना जाना पड़ सकता है, इसलिए फिर वहाँ से मैं अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी। और वैसे भी फिर ये लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा काम मैं दिखाऊँगी कि क्या क्या काम हो चुका है, क्योंकि मेरे पास कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि सीमा साथ साथ में दिखाती रहा कर। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बात भी कर लेंगे और आप लोगों को दिखा भी देंगे कि क्या 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 काम हो गया है। और आज थोड़ी सी ये देखिए, ये आज जय ने किया सुबह सुबह, तो ये तो था जय का काम, बाकी हमारा काम भी दिखाऊंगी। अब देखो भी इसका क्या होगा, बुलाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से वो एक बार और, वैसे वो अपना सारा काम निपटा के चले गए हैं, और बहुत दिन हो गए आप लोगों को दिखाया नहीं मैंने कि क्या क्या काम हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए दरवाजे जो खिड़की है ना वो लग चुके हैं, पेंट भी हो चुका है, और यहाँ पे ये जाली का गेट भी लग चुका है, धूप में दिखाई नहीं दे रहा, कैमरे में क्या दिखाई दे रहा है क्या नहीं। और ये देखिए ये जो हमारा मेन गेट है ये बन चुका है, और अब ये ऐसा बना है ना, पहले गणेश वाला किया था हमने सेलेक्ट, लेकिन अब ये हुआ है। और क्या काम हुआ है वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, हाँ थोड़ा सा वो भी काम हुआ है। और जो बेडरूम है ना वो हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है, उसमें सामान भी रखना शुरू कर दिया है। बेटे 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 सुमन ने हाथ दो, इसके हाथ दो, हाथ फेर गया सारा इस पे स्लेब पे। यहाँ पे हमने वो रूप से क्लीन होता है वो डाल रखा है, तो थोड़ी देर बाद इसको साफ कर देंगे, अभी डाल करके छोड़ दिया जिससे कि अच्छे से साफ हो जाए। किचन और लॉबी लगभग साफ हो चुके हैं, बस बाथरूम रहता है, क्योंकि बाथरूम गंदा ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है उसमें, तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे सामान तो रखना नहीं, उसको तो करते रहेंगे हम धीरे धीरे। और कल ये काम हुआ है, एक तो ये जो एग्जस्ट फैन है ना वो लग चुका है हमारा, ये देखिए, और बर्तनों का जो ये भी लगवा लिया है मैंने स्टैंड, ये जो टॉवल है वो टांगने के लिए हैंग करने के लिए ये लगा दिया है यहाँ पे, और ये जो शीशे वाला गेट है ये भी लग चुका है, और यहाँ पे ये देखिए बेड रख दिया है, बच्चे सोए हुए हैं, आराध्या को दर्द है इसकी टांग में, और अभी गद्दा रहता है, गद्दा हम लेकर के आएंगे तभी लगाएंगे। बाकी ये किचन का सामान रखा हुआ है जो मुझे ब्लॉग बनाना है, किचन का शॉपिंग, किचन की जो शॉपिंग की वीडियो है वो आएगी पार्ट 2। और ड्रेसिंग टेबल रख दिया है, और ये देखिए अलमीरा, बैक कैमरे से दिखाऊं आपको, तो ये देखिए अलमारी पे हमने जो दीवार पे पेंट है ना हमने जैसा करवाया था सेम वही करवाया है, मैं दूसरा बोल रही थी लेकिन उन्होंने यही किया है कि यही अच्छा लगेगा, ऊपर झूमर रखा हुआ है अलमारी के ऊपर। और बताना कैसी लग रही है अलमारी अब, क्योंकि ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैच आए हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो शीशा है ना वो भी लगा करके गए हैं, वो कल आए थे, ये साबुन रखने का अलग से, और ये यहाँ पे टॉवल हैंग होंगे, और जो भी शैम्पू तो बाथरूम में होगा, फेस मास्क जो भी होगा वो यहाँ पे हम रख देंगे।
और ये बताना आप लोगों को कैसा लगा, हमारे मिस्त्री बोल रहे हैं कि ओल्ड फैशन है। और ये देखिए, ये काउंटर टॉप लगना रहता है क्योंकि इसमें ना ये नहीं था, ये तो हमने करवा लिया तो उस टाइम पे ये नहीं था, तो आज वो करवा के लेके आए। अब देखो भी कब आएंगे वो लगाने के लिए। नीचे टब रखा हुआ है और यहाँ पे ये ग्लास कॉर्नर लगवाया है, एक ही लगवाया है यहाँ पे क्योंकि साबुन का लगवा लिया है, अलग से शैम्पू वगैरह ही रखने हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा तो है नहीं। और यहाँ पे टॉवल हैंग करने के लिए और ये कपड़े वगैरह वो करने। बेटा दिखा दिया है मैंने क्या क्या काम हो चुका है, लगभग सारा ही काम हो चुका है। पेंट का तो कंप्लीट हो गया और दरवाजे खिड़की भी लग चुके हैं, सारा हो चुका है, बस जो वाश बेसन का काम है ना वो रहता है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। और जो स्टोन मैंने कटवा के रखे हुए हैं उनका जो हैंग करने का, वो यहाँ पे नहीं मिले तो वो मुझे ऑनलाइन ही मंगवाने पड़ेंगे, ऑनलाइन मंगवाऊँगी अब, ऑर्डर करूँगी थोड़ी देर बाद और फिर वो आएंगे। देखो अभी 3-4-5 दिन, कितने दिन में आएंगे, बाकी कुछ और सामान भी करना है तो वो सारा आ जाएगा फिर साथ में। चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड। और आज पूरे व्लॉग में ज़्यादातर घर का ही, नए घर का ही व्लॉग है, पुराने घर की मेरे हिसाब से इसमें कोई क्लिप नहीं है। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।